फिल द वॉशर विद हॉट वाटर, यानी कि अपने वॉशर को आप हॉट वाटर के साथ फिल कर दें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी जो हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, हायर में तो आप हॉट वाटर यूज ही नहीं कर सकते। आप LG, सैमसंग, डाउलेंस, ओरियंट, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत वेदर चेंज हो चुका है, इस्लामाबाद का अक्टूबर आ चुका है और हल्की हल्की सी सर्दियाँ आ चुकी हैं। आप मेरे पीछे ग्रीनरी देख रहे हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में मनी प्लांट अपनी दिखाई थी और उस वक्त वो बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल एक लड़ी सी, और अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना ग्रीनरी और कितना हद तक फैल चुका है। तो व्यूअर्स, देखिए आपने मेरी मनी प्लांट, अगर आप किसी चीज़ पे ध्यान दें तो वो इसी तरह फलती फूलती रहती है, बढ़ती है और बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट अगर उसको मिल जाए और कोई उसे केयर करने वाला, ख्याल करने वाला मिल जाए तो इसी तरह बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी वॉशिंग मशीन, अगर एक चीज़ हमारे पास आ गई है तो हमने अपनी वॉशिंग मशीन को ठीक उसी तरीके से, जैसे आप ध्यान रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी और इसी तरीके से जो है बिल्कुल ठीक रहेगी। आप जैसे के वीडियो में वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं कि मेरी वॉशिंग मशीन जैसे मैं ओपन करती हूँ या कोई भी कपड़े उसमें डालती हूँ, उसका ड्रम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बहुत अच्छे से जो है वो कपड़े वॉशिंग मशीन मेरी साफ करती है और मैं उसकी बहुत जो है उसकी क्लीनलीनेस का जो है वो ख्याल रखती हूँ, तो उसको एहतियात उसके लिए मैंने कर रखी है अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं अभी कल ही शॉप से परचेज करके लेकर आई हूँ। ठीक वैसे ही आपने भी अपनी वॉशिंग मशीन, चाहे वो सेमी हो चाहे ऑटो हो, आपने उसका बिल्कुल वैसे ही केयर करनी है। बिल्कुल अच्छे से आपने वॉशिंग मशीन की केयर करके रखनी है जैसे आप कल ही शॉप से परचेज करके लेकर आए हैं, तो वो वॉशिंग मशीन आपको लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगी। ये बात मैं आपको पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हैं जो अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ खेलना चाह रहे हैं, तो मैं उन कमेंट्स का आंसर दूंगी जिसकी वजह से मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये चीजें हरगिज नहीं करनी है। क्योंकि देखिये, मैंने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो मैंने आपको बताया है। तो ठीक इसी तरीके से मैं आपको कुछ कमेंट्स वगैरह जो है वो पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आपको लगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं और आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमेंट आया है वो है तलहा नदीम का। उन्होंने कमेंट किया है मेरी क्या कहते हैं टब क्लीनिंग वीडियो पर, जो मैंने अपनी टब क्लीनिंग के लिए वीडियो बनाई थी, उसके लिए उन्होंने जो है अपना एक तरीके कार उन्होंने बताया है जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। मैं आपको बता देती हूँ। फिल द वॉशर विद हॉट वाटर, यानी कि अपने वॉशर को आप हॉट वाटर के साथ फिल कर दें। एड 1/4 ऑफ क्लोरीन ब्लीच नो डिटर्जेंट, यानी कि क्लोरीन ब्लीच आपने लेनी है और वो 1/4 डाल दें। लेट द मशीन सेट फॉर अ मिनट देन लेट इट सेट फॉर 1 आवर, यानी कि आप पहले उसे 1 मिनट के लिए जो है वो स्टार्ट कर दें और उसके बाद जो है उसे 1 आवर के लिए बिल्कुल ऐसे ही रहने दें। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर देंगे तो वॉशर के अंदर जो पानी है और हॉट वाटर और जो उसके अंदर उन्होंने क्लोरीन डाली है, तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से वॉशर के अंदर जो है जब 1 मिनट के लिए आप स्टार्ट कर देंगे तो 1 to 2 मिनट तो वो ऑल ओवर जो मशीन के जितने भी अंदर पार्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर बहुत अच्छे से चली जाएगी और फिर 1 आवर के लिए आप उसको इसी तरीके से रहने दें। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप कोई पतीला वगैरह मांजते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें आप जो है क्या कहते हैं डिश वॉशर या विनेगर वगैरह डालकर आप रख देते हैं और फिर उसको 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको वॉश करते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो वो वॉशिंग मशीन के लिए भी इसी तरीके से कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं आफ्टर 1 आवर अलाउ द वॉशर टू रन थ्रू इट्स लॉन्गेस्ट वॉश एंड स्पिन साइकिल, यानी कि फिर आप 1 आवर उसको इसी तरह रहने
पानी से भरा रहने दें, क्लोरीन उसके अंदर रहने दें। उसके बाद फिर आप 1 आवर के बाद उसे कंप्लीट साइकिल करें, यानी कि वो वॉश भी करे, वो रिंस भी करे और फिर वो स्पिन भी करे। फिर कंटिन्यू बाय इमिजिएटली फिलिंग द वॉशर विद हॉट वाटर अगेन, यानी कि आप दोबारा फिर उसको यही रिपीट करें। जब उसने स्पिन भी कर दिया, सारा पानी उसने ड्रेन आउट कर दिया, तो आप उसके बाद दोबारा उसको हॉट वाटर के साथ जो है अपने वॉशर को फिल करें। एड 1/4 डिस्टिल्ड व्हाइट विनेगर, यानी कि फिर सेकेंड टाइम जो आपने उसके अंदर डालना है वो व्हाइट विनेगर डालना है। लेट इट फर्मेंट एंड अगेन लेट इट सिट फॉर 1 आवर, यानी कि आपने फिर सेम प्रोसीजर जो करना है, जो आपने फर्स्ट टाइम आपने वॉशर के अंदर 1/4 आपने क्लोरीन डाली थी, उसके बाद आप क्या करें, 1 part जो है आप उसका सेकेंड टाइम आप विनेगर डालें और उसके बाद फिर उसे 1 आवर सिट करने के बाद फिर कंप्लीट उसे अपना साइकिल करने दें, वॉश रिंस स्पिन। जब स्पिन कर लेगी तो फिर सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और ये सारा विनेगर क्लोरीन जो भी है वो स्पिन के साथ सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा और आपकी वॉशिंग मशीन अंदर से पूरी क्लीन हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो उन्होंने पूरा मेथड बताया है हमें, ये उन्होंने आम वॉशिंग मशीन्स के लिए बताया है। जैसे बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो जो है क्या कहते हैं वॉशिंग टब क्लीनिंग का ऑप्शन ही नहीं है। जिनके पास टब क्लीनिंग का ऑप्शन नहीं है वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने एहतियात करनी है। क्या एहतियात करनी है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी जो हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, हायर में तो आप हॉट वाटर यूज़ ही नहीं कर सकते। आप LG, सैमसंग, डाउलेंस, ओरिएंट, आप दूसरी वॉशिंग मशीन्स को देख लें, पहले उनके भी जो है आपने देखना है, जो उनके गारंटी कार्ड वारंटी कार्ड वगैरह दिए जाते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि आपने वॉशिंग मशीन में कौन सा वाटर यूज़ करना है और कौन सा नहीं, जिससे आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब ना हो। तो लेकिन हायर में रिकमेंड नहीं करती हॉट वाटर वो खुद भी, क्योंकि हॉट मैंने बताया जैसे उसके नीचे ड्रम के नीचे जेल होती है, वो हॉट वाटर या सॉल्ट वाटर से वो जेल ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो मशीन किसी काम की नहीं रहती। तो आप हॉट वाटर और हायर में तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से आप दूसरी वॉशिंग मशीन्स का भी चेक कर लें कि वाकई हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है हॉट वाटर। और बात रही क्लोरीन और विनेगर की, वो आप जो है हायर में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप नॉर्मल टैप वाटर आप अपने वॉशर में फिल कर लें। जब टैप वाटर आप अपने वॉशिंग मशीन में फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो है फिर आप इजीली उसके अंदर क्लोरीन ऐड कर सकते हैं और या विनेगर ऐड कर सकते हैं और टब क्लीनिंग इजीली कर सकते हैं। जिनके पास टब क्लीनिंग ऑप्शन नहीं है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाके भी मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। और ये अगेन जो है उन्होंने व्यूअर हैं बहुत सारे लोग कमेंट जहाँ आपकी तारीफ करते हैं, आप कुछ बता के जाते हैं, तो बहुत सारे आपके वैल्यूएबल व्यूअर्स भी होते हैं जो आपको इस तरीके से बता कर जाते हैं कि आप ये सीन भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी जो है वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह के व्यूअर्स को मैं सराहूंगी, थैंक यू सो मच कि आप हमें बहुत सारी नॉलेज देके जाते हैं कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अब बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो उन्हें नहीं पता लगेगा कि ये फलाना वीडियो पर इस तरह का कमेंट आया हुआ है। तो मेरा ये काम है कि नॉलेज आगे बढ़ाना और आपको वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है, जितनी नॉलेज मुझे है, वो आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरे वो व्यूअर हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप टब क्लीनिंग, अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप किस तरीके से अपनी वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी सीखने का नाम है, आप अपनी आखिरी सांस तक सीखते हैं, लर्न करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें सारी नॉलेज है और हम ही करते हैं। इसी तरह आप अगर आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम वो नॉलेज अपने दूसरे व्यूवर्स को दे सकें। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, हमारी भी वीडियोस बनेंगी, दूसरों का भी काम होगा और आप इसी तरीके से सदका जारिया, ये भी एक तरह का सदका जारिया है, इल्म फैलाना। तो आपके पास भी अगर इस तरह की कोई नॉलेज हो तो आपने ज़रूर देनी है ताकि हम इस तरीके से वक्तन फवक्तन जो है अपने व्यूवर्स तक वो नॉलेज शेयर करें, पहुँचाएँ, जहाँ तक आप हो सके आपने पहुँचाना है, इल्म को फैलाना है। हमारा भी काम यही है कि जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको बताएं ताकि उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये ज़रिया बनाया है जिसके वजह से जितने भी हाउसवाइफ्स हैं उनको बहुत आसानी हुई है। अगर आपके पास एक चीज़ आ गई, आपने उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा है तो वो चीज़ आपके लिए बेकार हो जाती है। आप ये ना समझें कि जी मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, बहुत सारी जो है क्या कहते हैं एजुकेटेड वुमेंस भी हैं वो भी नहीं ऑपरेट कर पाती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब ये मोबाइल है, ये ऑपरेट
करना अब हमें बहुत अच्छे से आता है। जब आपको मोबाइल आता है तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है वो अच्छे से ऑपरेट कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नॉलेज गेन किया होगा। और आप जो लोग परेशान हैं कि जी हम टब क्लीनिंग कैसे करें, हमारे पास टब क्लीनिंग ऑप्शन नहीं है, तो बहुत अच्छा हमारे व्यूअर ने जो है आपको मेथड बताया है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। खासतौर पर फ्रंट लोड वाले, जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स हैं जिनके अंदर, उनके अंदर उन्होंने खासतौर पर कहा है कि जी टब क्लीनिंग नहीं है ऑप्शन, तो फिर आप जो है ये मेथड यूज कर सकते हैं और आप इसको यूज कीजिए और टब क्लीनिंग कीजिए और जो है अपनी वॉशिंग मशीन की लाइफ को और लॉन्ग कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।